Hey everyone, welcome back to my channel. So today's videos is all about study because exam is near. 2022 exam is near. Class 10 and 12 board exams, CBSE हो या फिर आसाम बोर्ड एग्जाम ही हो. So exam is near. So that's why I have some tips for you all guys so that you can follow and you can score very good results. So let's go to the video. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel, like this video, also share with your friends and click the bell icon to get notified because I will upload regularly this type of videos. Okay, so let's go to the video. So the first step is tips. So the first tips is proper timetable. This is a very important step. You have to make a timetable. ऐसा timetable बनाओ कि आप maintain कर सकते हो regularly. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इतना घंटे पढ़ोगे, 13 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे ऐसा पढ़ोगे, ऐसा नहीं. अगर आप 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो you can get a very good marks. अगर आप मन से, मतलब ध्यान से पढ़ाई करोगे तो this will definitely help you. So moving on to the second tips. Second tips is use less mobile. So देखो, मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू डू ऑनलाइन क्लास इन मोबाइल. देन आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन सर्च इन गूगल एंड यूट्यूब एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब टू. ओके, सो मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मोबाइल को आप अच्छे के लिए यूज़ करो, नॉट फॉर बैड थिंग. आई विल रेदर सजेस्ट दैट आप अगर हो सके तो आप एक लैपटॉप ले लो, या फिर आपका भाई का, दीदी का, अगर कोई किसी का लैपटॉप है, देन लैपटॉप से आप स्टडी करो. लैपटॉप से आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो एंड लैपटॉप से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे. मोबाइल से आप लोग का डिस्ट्रैक्ट होता है बिकॉज अगर आप नेट ऑन करके कुछ सर्च करते हो तो आपका व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है. सो दिस विल डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट यू एंड आप सोचोगे कि मैं एक बार खोल के देखूँ क्या आया है नोटिफिकेशन, देन पढ़ाई का मन चला जाता है. सो आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ अ लैपटॉप बिकॉज लैपटॉप में जनरली व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं होता अगर आप इंस्टॉल नहीं करते हो तो. ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो एंड वहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यू कैन डू योर स्टडी वेल. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप. द थर्ड टिप्स इज स्मार्ट स्टडी. आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते ही रहे एंड आपका कुछ याद ही नहीं रहा तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. सो आपको स्मार्ट स्टडी करना है. ठीक है, अगर आपका टाइम टेबल में ऐसा रूटीन में ऐसा है कि मुझे आज केमिस्ट्री पढ़ना है, बट आपका मन नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज द सब्जेक्ट और टॉपिक. यू कैन गो फॉर अदर सब्जेक्ट विच यू आर विलिंग टू लाइक टू स्टडी. ओके, आप स्मार्टली स्टडी करिए, नॉट हार्ड स्टडी. ओके, सो द फोर्थ टिप्स इज शुड मेक नोट्स बाय योर ओन. यू शुड नो हाउ टू मेक नोट्स बाय योर ओन. ठीक है, आपका जो स्कूल पे जो नोट्स देता है आप लोगों को, इंग्लिश हो या फिर जो जो सब्जेक्ट का वो नोट्स देता है, एक क्वेश्चन जैसे व्हाट इज सेल. सो वी नो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. सो दिस क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो 2 मार्क का आएगा या फिर 1 मार्क का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. सो 2 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखा देता है, इतना बड़ा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे. मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपका जो डेली कॉलेज या स्कूल पे जो डेली पढ़ाता है ना, आप घर पे आके एक बार वो रिवाइज़ करिए. आपका सीखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार रिवाइज़ करिए या फिर गो थ्रू द टॉपिक्स. ओके, आप एक बार गो थ्रू करिए एंड यू कैन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन. ठीक है, आप वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके आपका एक छोटा नोट बनाए एक्स्ट्रा कॉपी में, विच हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, सो डू दिस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स एंड आपको ये हेल्प करेगी समझने के लिए, यू कैन ईजिली लर्न दैट. सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप विच इज़ मेक अ समरी एट द एंड. सो देखिए, आपका स्कूल पे जब आपको पढ़ाते हैं लेसन या फिर एक चैप्टर पढ़ाते हैं, तब क्या करिए आप, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू कैन यूज़ अ स्टिकी नोट्स और यू कैन यूज़ अ डायरी और एनी नोट पैड सेपरेट, जहाँ पे आप उस लेसन का नेम लिख के समरी आप एक लिख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा जब आप, अगर आप भूल जाते हो वो चैप्टर का टॉपिक या फिर कुछ,
इफ़ यू गो थ्रू द समरी देन यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स आउट देयर. ओके, अगर आप भूल भी जाते हो उस चैप्टर को तो अगर आप गो थ्रू करते हो उस समरी को देन आपका सब याद हो जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स था उस लेसन में, क्या क्या आपने सीखा था, सब यू कैन रिमेंबर एक्चुअली. ठीक है, सो दिस आर द फाइव स्टेप्स. इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स देन आई कैन से यू डेफिनेटली दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. सो मैं आशा करती हूँ कि आप ये फॉलो करिए. ठीक है, बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, बड़े भी मतलब इससे फर्दर स्टडीज जो कर रहे हैं वो भी ये फॉलो कर सकते हैं. दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स जो जो पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, सो आप ये टिप्स फॉलो करिए बिकॉज एग्जाम इज नियर फॉर 2022. सो ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर. सो टेक केयर एंड बाय बाय.